दिन भर में 4 ऑडिशन दिए, एक स्टूडियो से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो कमियां हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं वो कमियां वो भी देखते हैं, लेकिन वो क्यों बोलेंगे? वो कि आपके ट्रेनिंग लेने का ठेका थोड़ी लिया है उन्होंने। वो बोलते भाई करते रहे गलतियां, और जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक गलतियां सुधरेंगी कैसे? तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्टर्स 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं होता, वापस घर चले जाते। ठीक है, देखो तालियां हम इसलिए बजाते ताकि जो एक्टर है उसको जोश मिले, उसको लगे जरा कि मैंने जो किया उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कैसे लगा आपको कि आपने जो ऑडिशन अभी दिया, तो आपको लगता है आप कैरेक्टर में थी, आपने वो जस्टिस किया है आपके कैरेक्टर को? कॉन्शियस हो गई थी? हाँ, नहीं पजल हो गई थी, क्या किया मैंने, कुछ ज्यादा ही गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ ज्यादा, तो उसकी वजह से शायद सेकंड का असर पड़ा हो। ठीक है, कौन हो आप, क्या नाम है, क्या सुहाना नाम है कैरेक्टर का? सुहाना। ओके, किससे बात कर रही है? कलीग है और भी लोग है? ठीक है, लोकेशन अभी सोच के बता रही हो? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? कंपनी का ऑफिस है? ठीक है, तुमने जो भी बोला वो क्यों बोला, क्या मकसद है तुम्हारा? अच्छा किया तुमने, मीन्स ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगता है इनका स्पीच जो था, स्पीच वो फ्लैट था? यस और नो? स्पीच फ्लैट था। फ्लैट का मतलब उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, तुम स्टार्ट टू एंड एक ही सुर में, एक ही पिच में बात कर रही थी। अप एंड डाउन तुम्हारे स्पीच में था या नहीं था? एक्चुअली है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, लेकिन तुमने एक सुर पकड़ा और उसी सुर के साथ स्टार्ट टू एंड मोनोलॉग तुम्हारा खत्म किया। अब कहाँ कहाँ पर तुम क्या क्या चेंजेस कर सकती थी हम वो देखते हैं। ओके, एक बार फिर से बोलो। उसके बाद तुम फिजिकली भी कंफर्टेबल नहीं हो, पैर की उंगलियाँ अकड़ के रखी है, समझी? उसकी पैर की उंगलियाँ कैसी थी? ऐसी थी। इसका मतलब ये है कि अंदर से कॉन्शियस है कि मैं कैमरे के सामने हूँ, यहाँ पर मेरा शूट हो रहा है, तो ये साइन है कि हम अभी उस कैरेक्टर में नहीं है, हम थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं। नो प्रॉब्लम, आप सीखने के लिए आए हो तो ये तो बात बताऊंगा ही मैं। पहले यहाँ से रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि लाइफ तो कैमरे के सामने ही जानी है एक्टर की, तो कॉन्शियस नहीं होना है, रिलैक्स। चलो अब शुरू करो, लुक इन टू द कैमरा, एक्शन। यार रूबी, मैनेजमेंट हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज नहीं देता रहेगा, एंड ऑफ कोर्स यार आई नो दैट आई एम जूनियर, बट मैं हमेशा तो जूनियर नहीं रहने वाली ना। कटिंग, फिर से स्टार्ट टू एंड यहां तक करो। रेडी? जो सामने वाली थी उसने क्या लाइन बोली थी आपको, क्या बोली होगी? अच्छा वो जो जब मैं पॉज करती हूँ, जब तुम बात शुरू करती हो तो उसके पहले तुम्हें क्या बोला गया होगा? और उसके बाद आप बात करती हो। रेडी? एक्शन। आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक यू
ओके, पहली लाइन क्या है? आई एम सॉरी. हाँ बोलो. बट आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत कहा. आई एम सॉरी. पॉज. आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत कहा. और एक्सप्रेशन भी गायब है. आ रहा है समझ में? Yes. जो तुम सॉरी तो बोल रही हो लेकिन अंदर से वो सॉरी फील नहीं है. नहीं है ना? दिखाना ही नहीं, बिकॉज यू डोंट थिंक कि तुमने कुछ गलत किया. हाँ, सही बोल रहा हूँ? हाँ वो सही बोल रही हो तुम. आई एम सॉरी सही बोल रही हो. उसके आगे की जो लाइन है उसमें वो बोलने के पहले थोड़ा पॉज लो और उसके बाद लाइन बोलो. रेडी स्टार्ट. ओके देख, बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा है. यूज हाँ एक्सप्रेशन. पॉज थोड़ा ज़्यादा चाहिए. आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा. आई एम सॉरी के बाद थोड़ा सा पॉज लेना. ये देख, बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा मीन्स आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा. क्या होता है जब आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है ना, तो आपको उसी स्क्रिप्ट को ऐसे बोलना है जैसे आप एक्चुअल वो बात कर रहे हो. दैट्स व्हाट एक्टिंग इज नो. आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा, बिकॉज वो स्पॉन्टेनियस बात नहीं कर रही है ना, भले ही हमें स्क्रिप्ट पहले ही मिल गई है. चलो करो एक बार. I'm sorry, but I don't think ki maine kuch galat kaha. If there is an opportunity for me, then I have to seize it now. If there is an opportunity for me, then I have to, jo tum bol rahi ho, hai na? Agar mere liye opportunity hai, to maine wo grab hi karni chahiye. What's wrong in it? That's what you want to say, no? तो तुम्हारा वॉइस क्या है? तुम वहीं पर उसी पिच पे हो. इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, वॉइस थोड़ा बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ और हाई पिच में बात करो. हाँ बिकॉज अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या कि कुछ चांस है ना आगे बढ़ने का. तो अपॉर्चुनिटी देखो, मैं आज बहुत दुखी हूँ, तो दुख क्या है? डिप्रेसिंग है. अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस टू ग्रो इन योर लाइफ. तो वो बोलने में भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ और हाई पिच में बोलो. रेडी स्टार्ट टू, वहां तक करेंगे. चलो एक्शन शुरू करो. कंटिन्यू. आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा. इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी देन आई हैव टू साइज इट. कट इट. फिर से इतना ही. समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस और नो? यस सर. स्पीच जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे मीनिंग उसका डिलीवर हो ऑडियंस को. ऑडियंस के मीन्स कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर के सामने आप बोल रहे हो उसको. तो एक एक लाइन पर आपको इस तरीके से काम करना है. वन मोर टाइम. रेडी एक्शन. बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा. स्पीड ज्यादा हो गई. आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा. मैं बात कर रही हूँ, तुम वो तुमने गलत किया या अगर किसी ने बोला तो तुम्हें पता है कि मैंने गलत नहीं किया, तो पहले तो वो थॉट आएगा ना. यू नो वेरी वेल, एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट याद करके थोड़ी बोल रहे हो. यू आर कैरेक्टर नो. तो कैरेक्टर हो तो तुम्हें आइडिया है कि मैंने पास्ट में कुछ गलत नहीं किया, और वो फील वो भाव तुम्हारे अंदर आएगा. मान लो इस हॉल से एक मोबाइल चोरी हो जाता है और आपको बोला जाता है कि आपने चोरी की है, तो आप क्या बोलोगे? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? चोर लग रही हूँ मैं तुम्हें? मेरी बैग चेक करो, बहुत अच्छे परिवार से हूं मैं. समझे? ऐसे बोलना नहीं, गलती से भी ऑटोमेटिक निकलेगा या नहीं निकलेगा? और असली चोर होगा तो? चोर नहीं, चोर नहीं. असली चोर नहीं होगी तो उसके बाद में वो दम आएगा क्या? क्योंकि असल में चुराया है उसने ना. तो तुम गलत नहीं हो, ये तुम्हें पता है. वही मीनिंग तुम्हारे इन लाइनों से डिलीवर होना चाहिए. तो सिर्फ स्पीच की बात नहीं है, बैक स्टोरी भी पता होनी चाहिए, वो वॉइस मॉड्यूलेशन भी उसमें होना चाहिए, एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब यहाँ से बैक स्टोरी क्लियर होगी, दिमाग में बैक स्टोरी क्लियर होगी,
तब ऐटोमेटिक अपनी बॉडी रिएक्ट करती है, एक्सप्रेशन आते हैं, स्पीच में भी ऐटोमेटिक बदलाव आता है। नहीं तो हमें वो बैठ के पेपर पेन लेके अच्छे से उस पर काम करना होता है, समझे। चलो लास्ट एक, तीन ही लाइन बोलो, लास्ट तक बोलने की जरूरत नहीं। एक्शन। I'm sorry. I mean, I don't think कि मैंने कुछ गलत कहा है। If there is an opportunity for me, then I have to seize it. And of course, that मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। Cut it. अब स्पीच की बात क्लियर हुई तुम्हें? जी। अभी भी स्पीच में वेरिएशन नहीं आ रहा है। अभी भी तुम समझ के नहीं कर रही हो और हैंड मोमेंट भी तुम्हारे स्पीच के अकॉर्डिंग नहीं है, सिंक नहीं है। गाड़ी के चारों टायर एक साथ चलते हैं ना, तो वैसे हाथ ऐसे, बॉडी लैंग्वेज अजीब लग रही है उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। सो बॉडी लैंग्वेज के लिए क्या करो, हैंड मोमेंट ज़बरदस्ती यूज़ मत करो, फ्री रखो हाथ, और बस जो बोल रही हो यहाँ से उस थॉट को समझो और स्पीच में वो लेकर आओ। एक बार करते, चलो रेडी, एक्शन। I'm sorry, but I don't think कि मैंने कुछ गलत कहा है। If there is an opportunity for me, then opportunity को हाय चाहिए, और वो हाथ बहुत खराब लग रहा है, हाथ यूज ही मत करो दोनों भी, हाथ फ्री रखो, फ्री रखो तुम, हाथ दोनों नीचे रिलैक्स रहो। हाँ if there is an opportunity, aggressive हो जाओ क्योंकि तुम गलत नहीं हो। रेडी, क्या था पहली लाइन? नहीं, ये जो अपोजिट कैरेक्टर क्या बोलता है, क्या बोलती है वो? मुझे लगता है तुझे ये नहीं करना चाहिए। हाँ चलो रेडी, मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है ये तूने नहीं करना चाहिए था यार। I'm sorry. I mean, I don't think कि मैंने कुछ गलत कहा है। If there is an opportunity for me, then I have to seize it, ना? Cut it. Of course. Cut it. Good. अच्छा था। एक बार और जरा कन्विक्शन के साथ, इतनी ही बोलो लाइन। कन्विक्शन मीन्स यू आर द कैरेक्टर, वॉट एवर हैपनिंग विद दिस कैरेक्टर, वो सब तुमने फेस किया है। एक्टर को ये सोचना है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी हो रहा है, मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी बोल रहा हूँ ये सच है, तो आँखों में वो दिखेगा, तो बातों में वो दिखेगा, पूरे कैरेक्टर में वो दिखेगा। अभी ये चेहरे को लाल लगा के वहाँ पर रुकी है क्योंकि उनको एक कैरेक्टर उनको प्ले करना है, उन्होंने कुछ प्रिपेयर किया है। इट मीन्स कि वो फुल कैरेक्टर में, उस जोन में है, नहीं तो थोड़ा बहुत मेकअप भी नहीं करती। वो जोन में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उस जोन में नहीं हो तो तुम्हारा फील कहाँ से आएगा, मूड कहाँ से आएगा, कैरेक्टर कहाँ से बनेगा? और वो कब बनेगा? जब हमें बैक स्टोरी पता है कि मैं क्या हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है। कैरेक्टर इमेजिनरी है, लेकिन जो प्रेजेंट तुम कर रहे हो वो सच्चाई के साथ कर रहे हो कि ये मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरे ही साथ हुआ है। दैट्स व्हाट एक्टिंग इज़ नो। ऑडियंस सुन भी रही है, ऑडियंस आपको देख भी रही है, आपके एक्सप्रेशन भी देखे जा रहे हैं, और वो सब कुछ करेक्ट नोट पे नहीं होगा, एक सही सुर में नहीं होगा, तो वो ऑडिशन कभी आपका फाइनल हो ही नहीं पाएगा। फिर चाहे लाख, अब आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बगैर ट्रेनिंग के मुंबई में आके डायरेक्ट ऑडिशन देना शुरू करते हैं, उनको लगता है सीखना विकना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनके साथ क्या होता है, यही दिन भर में चार ऑडिशन दिए, एक स्टूडियो से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो कमियां हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं वो कमियां वो भी देखते हैं, लेकिन वो क्यों बोलेंगे? वो कहे आपके ट्रेनिंग लेने का ठेका थोड़ी लिया है उन्होंने, वो बोलते भाई करते रहे गलतियाँ, और जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक गलतियाँ सुधरेंगी कैसे? तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्टर्स 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल मुंबई में स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, वापस घर चले जाते हैं। कारण क्या? सीखने की कोशिश नहीं करते, सीखना नहीं चाहते, डायरेक्ट काम चाहिए, और फिर इस तरीके से गलतियाँ उनसे होती है। ठीक है, मेमोरी अच्छी है आपकी, स्क्रिप्ट आपने मेमोराइज़ की, वो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है, थोड़ा लो एनर्जी है, और स्पीच पे भी अपने को काम करना है। तो अभी क्या करना है आपको, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट आपने लिखी है नोटबुक में? सर लिखा नहीं, मतलब वो व्हाट्सएप पे था। पहली गलती कि व्हाट्सएप पे आई हुई स्क्रिप्ट वैसे के वैसे याद करना। आपके पास हर स्क्रिप्ट नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए। लिखने के बाद एक एक लाइन को समझो, एक एक लाइन का मीनिंग समझो, उसकी बैक स्टोरी समझो,
उसके पीछे का क्या मीनिंग, क्या कहना चाहता है मेरा कैरेक्टर, वो समझो, उसमें टाइम दो, है ना। बिल्डिंग दिखती है 50 मंजिला, लेकिन सबसे पहला काम किस पर होता है? ज़मीन के अंदर, नीचे। तो वो स्क्रिप्ट पर काम है, आपको उसको समझना है, हु व्हेन वेयर व्हाई व्हाट, ये 5W1H वो सारे आपके पास होने चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर की एज कितनी है, क्या प्रोफेशन है, क्या एजुकेशन हुआ होगा, वो होने के बाद फिर स्पीच पर काम करना होता है। तो आप अभी नोटबुक में लिखो, लिखने के बाद उसका बैक स्टोरी निकालो, उसके बाद हम लोग बैठ के उसको प्रिपेयर करेंगे, ओके। अच्छी बात ये है कि आप बहुत एक्टिव हो। कहाँ रहते हो आप? कल्याण से आना जाना करती हो एक्टिंग सीखने के लिए, तो वो जो जुनून है, वो जो जोश है, वो जो जज्बा है आपके अंदर, उसके लिए तालियां।